हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल में। मैं पुष्पा आपके सामने नया रेसिपी के साथ आ गई हूँ। वो है चावल के आटे की रोटी। वो कैसा बनाते हैं मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरा दादी बहुत बनाती है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने चावल का 1 कप आटा लिया है। आटे को मैं ऑलरेडी छन्नी करके रख लिया है। अभी मैं इसमें 1 स्पून लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, 1 पाव चम्मच हल्दी पाउडर, यहाँ मैं 1 पाव चम्मच नमक लिया है। आप लोग अपना स्वाद अनुसार लीजिए, कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ धनिया और जीरा पाउडर डाल रही हूँ, पहले से है मैंने पाउडर करके रख लिया है। और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं यहाँ एक बड़ा प्याज लिया है, छोटे टुकड़े में काट लिया है। हरी मिर्ची 2 लिया है और थोड़ा सा हरे धनिया और करी पत्ता, इन सभी को इसमें डाल के अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे के जैसा गूंदूंगी। ये चावल का आटा है, थोड़ा सा पानी बस हो जाता है। ये आटा थोड़ा नरम रहना चाहिए, इसलिए मैं पानी थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। देखिए, आपको देखने से पता चल जाएगा मैं कितना लूज भिगाया है। इस पे ढक्कन लगा के साइड में रख लेती हूँ। मैं यहाँ पे नॉनस्टिक कढ़ाई लिया है, आप लोग चाहिए तो पैन ले सकते हैं या तवा भी ले सकते हैं। देखिए मैं जिस तरह से कर रही हूँ, आप लोग भी उसी तरह से करिए। यकीन मानिए बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। एकदम पतला करना है इसको, मोटा नहीं रहना है। मोटा रहने से नरम रहता है, अगर पतला सा करोगे तो अच्छा क्रंची भी रहता है खाने में और बहुत अच्छा मज़ा आएगा। तेल डालने के लिए मैं यहाँ पे होल्स बना रही हूँ, जिस तरह से बना रही हूँ उस तरह से बनाइए। मैं हाँ यहाँ 1 स्पून तेल लिया है, एक एक ड्रॉप डाल रही हूँ। यकीन मानिए इसमें तेल भी ज़्यादा नहीं लगेगा मगर बहुत अच्छा टेस्ट रहेगा। मैंने गैस पे लगा दिया है, इसके ऊपर ढक्कन लगा के 4 से 5 मिनट तक कुक करना है, 2 साइड में भी करना है। 5 मिनट तो हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। दिखने से तो पता चल रहा है ये तो कुक हो चुका है, एक बार इसको पलट लेते हैं। देखिए बहुत अच्छा तरह से पक गया है। अभी दूसरा साइड में भी उतना ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, 1 आधा मिनट तक पका है तो बस है, ये ऑलरेडी कुक हो चुका है। मगर आधा मिनट के लिए हम ढक्कन लगा के इसको कुक कर लेते हैं। 1/2 मिनट हो चुका है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छी तरह से 2 साइड में भी कुक हो चुका है। अभी मैं इसको प्लेट में सर्व करके आप लोगों को बताती हूँ। देखिए मैं प्लेट में लगा दिया है। इसको अचार के साथ, प्याज और हरी मिर्ची के साथ खाए तो इसका टेस्ट बहुत मस्त रहता है। आप लोग भी ट्राई कीजिए, यकीन मानिए बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। दादी तो गांव में हंडी में बनाती है, उसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है। मगर यहाँ पे मैं हंडी में नहीं बनाया है, कढ़ाई में बताया है आप लोगों को। यकीन मानिए उतना ही अच्छा टेस्ट रहेगा। यह रेसिपी को आप लोग भी बनाइए, बना के बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा बना है। अब तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना भूलिए मत। तब तक के लिए अलविदा।